योग शब्द सुनते ही मन शुद्ध हो जाता है, वातावरण साफ हो जाता है और शरीर में एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड बेटर थिंग्स विद केतु। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं। योग जो कि भारत से एक शब्द दी गई है, पूरे विश्व को जो एक आसन होता है जो शरीर के विभिन्न अंग को शांत और उसे लचीला बनाता है। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस योग को अपनाया गया और स्वस्थ रहने की इच्छा को पूर्ण किया जा रहा है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो 2015 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, जो कि हर एक साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे योग गुरु हैं, जैसे कि पतंजलि के संस्थापक स्वामी रामदेव बाबा, और इनके अलावा और भी देश के अलग अलग कोने में बहुत सारे योग गुरु हैं जिन्होंने हमें स्वस्थ रहने की एक अलग ही आदत और इच्छा दी है, जिसे हम अपनाते हैं और अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आज योग दिवस पर पूरे विश्व में जैसे कोरोना महामारी पिछले 6 महीने से चलती आ रही है, उसको लेकर कुछ खास तैयारियां सामाजिक स्तर पर नहीं की गई है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से बहुत लोग बहुत मदद कर रहे हैं योग को लेकर, उसको बढ़ावा देने को लेकर। तो आप भी इस स्वस्थ रहने की अभियान से जुड़ें और अपने आसपास सफाई रखें और अपने मन को शांत कर योग करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।